खबर सामने आ रही केरुपुर चाईपासा से, जहां पर नक्सलियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर को घायल कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है चाईपासा से, केरुपुर से, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण डॉक्टर की गोली मार दी है। उन्हें गोली मार दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। टोंटो थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांदाबेड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है। डॉक्टर जितेन नागूरी के घर आकर नक्सलियों ने हत्या की है। जगन्नाथपुर के एसडीपीओ राकेश नंदन मिंच ने घटना की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे केरुपुर से, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। टोंडो थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांदाबेड़ा गांव की यह घटना, जहां डॉक्टर जितेन लागुरी के घर आकर नक्सलियों ने ऐसा हत्या की घटना को अंजाम दिया है। जगन्नाथपुर के एसडीपीओ राकेश नंदन मिंच ने इस घटना की पुष्टि की है। नक्सलियों के तांडव लगातार पड़ रहे हैं। अब ऐसे में घर पे घुसकर डॉक्टर जितेन लागुरी की हत्या एक बड़ी प्रश्न जो है वो खड़े करती है कि आखिरकार जगन्नाथपुर के ऐसा पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारियां लेकर कर सामने आ रही है। टोंटो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांदाबेड़ा गांव की एक घटना बताई जा रही है। डॉक्टर जितेन लागुरी हैं, जिन्हें मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा है। उनके घर पर घुसकर उन्हें गोली मारी गई है। जगन्नाथपुर के एसडीपीओ राकेश नंदन मिंच ने घटना की पुष्टि की है। और इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता करमवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करमवीर, नक्सलियों ने ग्रामीण डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, घर पे घुसते हैं ये नक्सली, गोलीबारी करते हैं और उसके बाद ये हत्या होती है। फिलहाल किस तरीके से नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर वहां की जो पुलिस है वो काम कर रही है? देखिए, ये जो टोंटो थाना क्षेत्र का बांदाबेड़ा गांव है, ये बहुत ही ज्यादा जंगल के अंदर होने के कारण यहाँ पर त्वरित पुलिस नहीं पहुंच सकी है। और जिस तरह से घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती रात की घटना है और वहाँ पे नक्सलियों द्वारा जो ग्रामीण चिकित्सक है जितेन लागुरी, इनको घर से बुलाया जाता है, बुला करके दो गोली इन पे दागी जाती है, जिसके बाद घटनास्थल पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और नक्सलियों के द्वारा वहाँ पे पोस्टर छोड़ी गई है, जिसमें साफ लिखा गया है कि ये इनके ऊपर मुखबिरी के आरोप लगाया है। और ये घटना अभी एसपी साहब ने इसकी पुष्टि की है कि नक्सलियों द्वारा घटना को घटित किया गया है। जी बिल्कुल करमवीर, आप खबर पर नजर बनाए रखिए और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ पा रही है ये भी हमारे जानकारी दर्शकों को दीजिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण देखिए घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची है, इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचा है। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां ये पूरा मामला सामने आ रहा है। टोंटो थाना क्षेत्र बताया जा रहा है जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस वजह से पुलिस जो है वहां पर नहीं पहुंच पाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।